हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं, तुम देख पा रहे हो, कैसियो SA46 पियानो, इलेक्ट्रिक पियानो। ये एक इलेक्ट्रिक पियानो है जो आपका सेल से भी चल सकता है, अडेप्टर से भी चल सकता है। और ऐसा ये हमने कुछ अपना अमेज़ोन से मंगाया था, इसकी प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। ये हमने देखिए अमेज़ोन से मंगाया था। इस पैकेट में तो आपका चार्जर आता है, तो चलिए पहले चार्जर को खोल के देख लेते हैं। ये बॉक्स है, बॉक्स में अच्छी सेफ्टी दे रखी है आपको ताकि ये चार्जर है ये टूट ना पाए। और बॉक्स में देख लेते हैं कुछ और दे तो रखा है। ये पेज है, ये बिल है कि पियानो चार्जर बोथ मिक्स का। आप पियानो अलग सा ले सकते हैं अगर आपके यहाँ सॉकेट पड़ा हुआ है, चार्जर पड़ा हुआ है। चार्जर नहीं, इसको आप मतलब पावर अडेप्टर ले सकते हैं। इसके पन्नी है कुछ, इस पन्नी को साइड में रख देते हैं। और बात करते हैं अपने अडेप्टर के बारे में। देखिए एक एक्सटर्नल AC पावर अडेप्टर है, ठीक है, ये पियानो के लिए बनाया गया, उसको कैसियो कंपनी बनाती है। इनपुट देखिए 250 वोल्ट का, आउटपुट उसमें 9.5 वोल्ट का आउटपुट देती है, ठीक है। तो अब इसको खोल के देख लेते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे पास चार्जर आता है, ये चार्जर है। और इसकी वायर जो है वो बहुत ज़्यादा ही लंबी है, मतलब अगर आपको थोड़ा दूर बैठते हैं आप प्लग से तो उसमें आपके ज़रूर काम आएगा। ये देखिए जैक है, छोटा वाला जैक है जो आपका वही नोकिया वाले फ़ोन में लगता था, तो ये वाला आपका जैक है। चलिए चार्जर को भी साइड में रखते हैं। अब बढ़ते हैं अपने पियानो की तरफ। तो चलिए अब हम इसके बॉक्स को खोलते हैं। ये कुछ ऐसा, आप इसके पहले बॉक्स देख लेते हैं फिर खोलेंगे। यहाँ पर आपको पियानो के फीचर वीचर दे रखे हैं। और हमने ये पियानो कैसियो की 25th एनिवर्सरी पे लिया था, तो हमको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल गया था। बाकी ज़्यादा कुछ तो नहीं दे रखा है, बस अमेज़ोन वालों ने अपनी एक थैली दे रखी है एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसको हम साइड में रखते हैं। बाकी यहाँ पर बता रखा है कैसे यूज़ करें, वो अंदर इंस्ट्रक्शन पेपर भी है, उससे भी आप कर सकते हैं बस यूज़ कैसे करें। तो चलिए अब इसको खोलते हैं। तो देखिए अभी हमने अपना पियानो खोल लिया, और पियानो में हमको एक पियानो मिलता है और आप देख पाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी कागज़ मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। ये हमारा कुछ सॉन्ग बुक है, और सॉन्ग बुक के साथ हमें कुछ वारंटी कार्ड दे रखा है। आप ये कैसियो की वेबसाइट पर जाके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। 6 महीने की वारंटी इसमें आपको मिलती है इनर पार्ट्स के लिए। अगर इसका कोई अंदर का स्पीकर वीकर कुछ ख़राब हो जाता है तो इसमें आपको उसकी वारंटी मिलेगी। बाकी आप देख पा रहे हैं उसकी वारंटी आपको यहाँ मिलेगी। और ये है, इसको आप स्कैन करके भी कर सकते हैं। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ये देख पा रहे हैं, ये है सॉन्ग बुक है कुछ ऐसी, ठीक है। इसको भी हम साइड में रखते हैं। अभी तो खोल लेते हैं, टेप वेप लगा के दे रखा है वैसे दोनों ने। तो ये वाली बुकलेट भी हमारी खुल गई, आप देख पा रहे हैं। बुकलेट में यहाँ पर हमें दे रखा है SA4647, इसका कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे रखा है। ये आप देख पा रहे हैं कैसे यूज़ करते हैं, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं तो इतना पढ़ूंगा नहीं डीपली। ये देखिए यहाँ पर कैसे यूज़ करना है, क्या कौन सा बटन का कौन सा काम होता है, इसको आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरा तो ऐसा मतलब नहीं, तो मैं इसको साइड में रख लेता हूँ। इसकी ओर बढ़ते हैं। ये भी आपका कैसियो की वारंटी के लिए, मान लीजिए अगर आपको ऑफलाइन ख़राब हो गया और आपको ऑफलाइन जाना है मार्केट में, तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को भर के, अलग अलग लैंग्वेज में दे रखा है, इस फॉर्म को भर के आप रख सकते हैं। और अगर इसे ख़राब हो जाए तो वारंटी से ही आपका ठीक हो जाएगा। ये मुझे कंपनी की बहुत कंपनी की चीज़ है ना, तो देखिए वारंटी वारंटी सब मिलती है। इसलिए हमको, हमने 25वीं एनिवर्सरी पर ख़रीदा था कैसियो की, तो अब हमको एक गिफ्ट कार्ड मिला था, आपको मिले या ना मिले। इसमें हमको 6 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है। इस लिंक पर जाएंगे, इस लिंक पर जाके आप अपने डिवाइस की वारंटी का कर सकते हैं। वही बोल लगा है सब, ठीक है। बाबा कागज़ पर दे रखे हैं जो बात हुई। और ये भी वही है आपका इंस्ट्रक्शन मैनुअल, कैसे जो कैसे यूज़ करते हैं। और एक छोटी सी प्रिकॉशन दे रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, गर्म में ले आना है, ठंडा में लाना है, वाटरप्रूफ। अब वाटरप्रूफ तो है नहीं क्योंकि इसमें स्पीकर लगे हुए हैं, तो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। और इसमें एक बात अच्छी मुझे लगी कि ऐसी होगी कि इसमें दो दो स्पीकर दे रखे हैं, आप देख पा रहे हैं ये दो दो स्पीकर। हमने इसको बाहर निकाल लिया है, तो पैकेट से अभी हमने इसको निकाल लिया, आप देख पा रहे हैं ये पियानो है। और ये पियानो में आपको 32 कीज़ के साथ ही आपको निकलता है, और इसकी कीज़ बहुत ही क्या स्मूथ है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और ये भी ब्लैक वाली कीज़ है, वाइट वाली कीज़ है, शार्प बोलते हैं शायद इन्हें। और देखिए वही यहाँ पर कैसे होगी ब्रांडिंग, यहाँ पर SA46 जो कंपनी अपना करती है, ब्रांडिंग व्रांडिंग सब दे रखी है। और ये हमारे दो बढ़िया बढ़िया स्पीकर्स, और आप देख पा रहे हैं ये सॉन्ग बैंक। अगर आप यहाँ से बटन को ही देखिए, सॉन्ग बैंक का बटन है, इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर नंबर डालते हैं कोई भी, जैसे मैंने मान लीजिए 03 नंबर डाल, 03 नंबर डाल के अगर आप उसको स्टार्ट करते हैं तो गाना बज सकता है। उसके साथ भी आप सीख सकते हैं गाना बना के, उसके साथ बीट रिमिक्स कर सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया है, अगर आपको एक गाना ही बनाना है तो बहुत बढ़िया है।
अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें साइड में देख लेते हैं, साइड में क्या दे रखा है। साइड में देखिए दो सॉकेट दे रखा है, एक सॉकेट आपका चार्जिंग केबल उसके लिए और एक सॉकेट ऑक्स का है। मान लीजिए आप बहुत ही प्रोफेशनल है तो आप इसको अपने ऑक्स से अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, बीट वीट से आप कर सकते हैं। पीछे क्या दे रखा है, पीछे यहाँ पर हैंडल कैरी करने के लिए दे रखा है और यहाँ पर चार आपके सॉफ्ट दे रखे हैं बहुत ही, जिससे मतलब निशान ना लगे, सो वही बात है। और यहाँ पर क्वेश्चन वॉशन दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मेरे को तो इतना समझ नहीं आएगा। और यहाँ पर ये सेल बैटरी है, ये देख सकते हो, यहाँ पर देख पा रहे हैं गाइस आप, इसमें लगती हैं बैटरियाँ, ठीक है। इसमें आपकी छः बैटरी, इसमें आपके लगेंगे छः मोटे वाले सेल लगेंगे, पतरे वाले नहीं, मोटे वाले सेल लगेंगे। तो ये यहाँ पर होता है, देखिए ये देखिए इसमें सॉफ्ट दे रखा करके, अगर इसमें फट पड़ जाता है तो ऐसा ज़्यादा डैमेज नहीं आएगा अंदर बाहर। चलिए अब इसको खोलते हैं फटेक से। तो गाइस अभी मैंने इसको पावर से कनेक्ट कर दिया, तो चलिए देखिए हमको क्या करना है, इस प्रेस वाले बटन को ऐसा शिफ्ट करना है, देखिए ऑन आएगा और उसका ऑन होते ही यहाँ पर डिस्प्ले में 00 दिखाई देगा। अब हम इनके बटन्स के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर सॉन्ग बैंक के बारे में देख रहे हैं हम, इसमें मतलब गाने की ट्यूनिंग बजेगी और उसके साथ रिदम बजाते हुए अपना गाना बजा सकते हैं, ठीक है। अब ये पैटर्न से कैसे पैटर्न, यानी कि पॉप पैटर्न है, तो बीट बॉक्सिंग वही है और यहाँ पर टोन है, जैसे कि पियानो की टोन चाहिए आपको, गिटार की टोन चाहिए, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है पियानो की, पियानो में आप गिटार भी बजा सकते हैं, बहुत कुछ बजा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए रखे हैं, नंबर को आप प्रेस करेंगे तो ये चलेगा। और ये पियानो ऑर्गन है, इस बटन को दबाएं से देखिए इसमें असर पड़ता है, पता नहीं क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट ऑन ऑफ होता है, तो ये मेलोडी ऑन ऑफ है, ये स्टार्ट ऑन ऑफ है, टेम्पो है, यहाँ पर आप दबाएंगे तो डमरू बजेगा। देखिए मैं इसकी आवाज़ यहाँ से मिनिमम मैक्स होती, देखिए इसको मैक्स कर सकते हैं आप, जैसे मैं इसको दबाऊँगा तो ऐसे डमरू बजेगा, इसको दबाऊंगा तो बीच में डमरू बजेगा, मतलब वही होता है, उसको दबाऊंगा तो अलग अलग वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ें निकाल सकता है, ठीक है। अब इसको दबाते हैं तो देखिए बहुत काम ही कर देता है, बाकी बढ़िया है। अब देखिए मान लीजिए हमें ये तीसरा वाला गाना लगाना है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, थोड़ी आवाज़ कम कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमको सॉन्ग बैंक में से गाना निकालना है तो हम ये सॉन्ग बैंक वाला बटन इसको दबा देंगे। अब जैसे हमने सॉन्ग बैंक वाला गाना दबा, अब नंबर क्या है, नंबर है 03 ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के लिए, हम 0 को प्रेस करेंगे और इसमें ये देखिए ये ऐड करने का बटन है, यानी कि 1 आएगा 0 आएगा, एक और ऐड करेंगे तो 1 आएगा, एक और ऐड करेंगे तो 2 आएगा, एक और ऐड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, ऐसा इसमें कुछ होता है। अब देखिए अब अगर मैं दबाता हूँ स्टार्ट को तो इसमें गाने बज जाएंगे, ठीक है। देखिए देखिए मैंने स्टार्ट के बटन को दबाया तो उसमें गाने क्या है बजने लग गए। तो ये इसका बहुत बढ़िया फंक्शन है कि आप जैसे गाने बज रहे हैं, तो देखिए ये गाने अभी बज रहे हैं, तो मान लीजिए मुझे इस गाने में कुछ गड़बड़ करनी है, मतलब जैसे कुछ इफेक्ट लाना है, जैसे मेरे ढोल का इफेक्ट लाना है, तो मैं इसको दबाऊँगा, देखिए इसमें ऐसे आप इफेक्ट ला सकते हैं, बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है, बहुत फंक्शन इसमें दे रखे हैं। और ये देखिए ये आता है आपकी 32 कीज के साथ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, 32 कीज के लिए बहुत मदद करता है, आप इसको बच्चों को दे सकते हैं चलाने के लिए, अगर आप बिगनर हैं तो आप भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी हम इस गाने को बंद कर लेते हैं। तो अभी देखिए मैंने आपको आपके इसके सारे फंक्शन तो लगभग बता ही दिए हैं। अब बात करते हैं इसकी कीज़ की, इसकी कीज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब आप सोच रहे हो बहुत हार्ड है, टूट जाएंगी, प्लास्टिक की बनी, ऐसा नहीं, इसकी कीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और कीज़ का मटीरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी देखिए अब जैसे मान लीजिए मैं कुछ बजाता हूँ, मैं सारे गाँव बजाता हूँ, मान लीजिए आप देख पा रहे हैं मतलब कितनी अच्छी म्यूज़िक क्वालिटी है। एक तो स्पीकर ही बहुत बढ़िया, दोनों स्पीकर बहुत बढ़िया काम करते हैं और इसके जो कीज़ है वो भी बहुत अच्छे चलते हैं, आप देख सकते हैं। अब मुझे तो इतना आता नहीं है पियानो बजाना, मैं भी सीख ही रहा हूँ, पर देखिए बहुत बढ़िया कीज़ है इसकी और इसके स्पीकर भी बड़े अच्छे हैं। और अगर आप इसकी वॉइस को क्या है, मतलब जैसे आप बजा रहे हैं, आप खुद बजा रहे हैं, ठीक है, मान लिया मैंने सारे गाँव बजाया, अब मुझे उसको रिकॉर्ड करना है तो अब मैं उसको रिकॉर्ड कैसे करूँगा। देखिए रिकॉर्ड करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है, करके आपको कुछ इस टाइप की ऑक्स वायर ले लेनी है, ये गाड़ियों में लगती है हमारी ज़्यादातर, ठीक है, तो अपनी गाड़ी में से भी ला सकते हैं, अगर आप नहीं है तो आप ख़रीद भी सकते हैं बाजार से। आपको कुछ इस टाइप की ऑक्स वायर ले लेनी है और आपको एक ऑक्स वायर अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर लेनी है और एक ऑक्स वायर इस पर डाल देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि रिकॉर्ड अपने मोबाइल में कोई भी रिकॉर्डर ऐप खोलिए, उसमें से आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। अब जैसे कि आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें क्या है ना, आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, आई मैं बटन दबा रहा हूँ तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है,
ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि ऐसी आपको कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, पर आप ऐसा नॉन कॉन्शियसली मतलब चिंता मत कीजिए, बजाते रहिए, तो आप क्या होगा फिर आपकी वो रिकॉर्ड हो जाएगी, उसके बाद आप उसको बंद कर सकते हैं तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, मतलब आप जो भी यहाँ बजाएंगे वो आपके फ़ोन में जाकर रिकॉर्ड हो जाएगा। ये मुझे इसका बहुत अच्छा फंक्शन लगा है, ठीक है। और बाकी अगर आपको इसमें जैसे 100 ही सॉन्ग्स हैं, अगर आपको कोई दूसरा सॉन्ग ऐड करना है तो अपने फ़ोन के ऑक्स के तार के साथ कनेक्ट करके सॉन्ग बजा सकते हैं, और सॉन्ग को जो भी करना है आपको एडिट वेडिट बास बढ़ाना है जो भी करना है वो कुछ आप कर सकते हैं। तो ये था रिव्यू इस पियानो का, ये पियानो बहुत ही बढ़िया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।